बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हेमा की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। ऐसे में हेमा मालिनी ने बी ग्रेड फिल्मों में काम कर पैसा कमाया था। बात तब की है जब पहली डिलीवरी होने के बाद वह फिल्में ढूंढ रही थी। उस समय हेमा को पैसे की जरूरत थी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा हुआ था। इस नोटिस के तहत उन्हें जल्द से जल्द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जुर्माना के तौर पर भरना था। हेमा इस काम में धर्मेंद्र की मदद नहीं लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपने कमाए हुए पैसे से ही इस पेनल्टी का अदा करें। उस दौरान हेमा के पिता भी चल बसे थे। हेमा के लिए वह दौर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जिस तरह की फिल्में भी मिलेगी वो उन्हें करेंगी। ये इसी सोच के साथ उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हेमा ने रामकली नाम की बी ग्रेड फिल्म में काम किया। इस फिल्म से उन्हें काफी सफलता मिली और इसके बाद कई बी ग्रेड के डायरेक्टर उनके पास फिल्मों के ऑफर लेकर आने लगे। हेमा को उनका अपने घर पर आना पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की जरूरत की वजह से वह उन्हें मना भी नहीं कर पाती थी। इसके बाद उन्होंने कई और बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया और साथ ही डांस शो भी किए। लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह इस पेनल्टी को भरने में कामयाब हुई।